पड़ेगा सर। लिख दिए सर। हाँ अभी स्टार्ट हो गया, अब लिख सकते। स्क्रीन गूगल में शेयर हो, डू या टाइप करें सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ हो गया सर, हो गया, स्क्रीन हो शेयर रहा आप है लोग सर, का हो हो रहा रहा है? है। ठीक है ठीक। शुरू करें? हेलो। यस सर, हाँ देखिए, यस सर, स्टार्ट कीजिए। लास्ट डे हमने मतलब पहला सेशन जो हम लिए थे उसमें आपको हम क्या कंज्यूमर बिहेवियर का इंट्रोडक्शन बता दिए थे, फिर कंज्यूमर बिहेवियर का कंसर्न ऐसा बताए थे कि उसमें फिजिकल और मेंटल कंसर्न दोनों हमको समझना पड़ता है, फिर आपने उसमें बायर और यूजर के बारे में देखा था। आज हम ये स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो मार्केटर्स के पर्सपेक्टिव व्यू से कैसा रहता है और कंज्यूमर पर्सपेक्टिव व्यू से, ये दोनों तरफ से हम स्टडी करेंगे। कहने का मतलब क्या, अगर सपोज करो कि कल को आप मार्केट अगर आप मैनेजर बन जाते हैं किसी कंपनी में और अगर आपको इस तरह से हैंडल करने दिया जाता है कि कंज्यूमर बिहेवियर का आप स्टडी कीजिए या किस तरह का कंज्यूमर्स की चॉइस है, आप प्रोडक्ट में किस तरह का क्वालिटी या डिजाइन रखेंगे, तो ये दोनों एंगल से बोलता है कि मैनेजर पर्सपेक्टिव भी हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का और कंज्यूमर पर्सपेक्टिव भी स्टडी करेंगे। तो ध्यान देना कि मैनेजर पर्सपेक्टिव करने का मतलब क्या हुआ। मैनेजर पर्सपेक्टिव में आपको सिंपल कंसर्न क्या देखना पड़ेगा कि ऐसा पर्सपेक्टिव जो मैनेजर इस तरह से स्टडी करे कंज्यूमर को, जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट तो दे ही दे और कंज्यूमर्स को भी का जो नीड है वो प्रोडक्ट से उसको मिले, सेटिस्फाई हो। इन अनदर वे यू कैन से अबाउट दैट कि मैनेजरियल पर्सपेक्टिव इज नथिंग बट इट इज कंसर्न विथ मार्केटर्स मार्केटिंग प्लान, यानी मार्केटर्स जो रहता है जो प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेगा या प्रोडक्ट मार्केट में जाने वाला है, तो उसमें वो सारे परसेप्शन होने चाहिए कि पर्टिकुलर कस्टमर किसी गुड्स को क्यों लाइक कर रहा है, कंज्यूमर्स का उसमें किस तरह का कंसर्न है, किस तरह का इंटरेस्ट है। तो अगर आप मैनेजर पर्सपेक्टिव जाइएगा तो आपको स्टडी करना पड़ेगा बहुत, जो आपने मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स पढ़ा है उसके कंसर्न से स्टडी करना पड़ता है। सपोज कीजिए कि अगर जी सर, मैं, हाँ जी, आप, हेलो आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है आवाज सर आपकी। हाँ जी हाँ सर, आ रही ठीक है सर आवाज। है, तो सुनते जाइए। सिंपल वे में आप देखिए कि अगर ये मैं जो बताने का कर रहा हूं प्रयास, ये आप दोनों एंगल से देखिएगा, ऐसा कि मैनेजर पर्सपेक्टिव क्या होगा, यानी मैनेजर पर्सपेक्टिव कैसा, कल को हम अगर किसी कंपनी में मार्केट मैनेजर बनते हैं और हमें ये मतलब जॉब दिया जाता है, असाइन किया जाता है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करके मार्केट में लॉन्च करना या मार्केट में लाना है, तो ये हमारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी एज ए मैनेजर कि हम किस तरह से उस प्रोडक्ट को बनाए, कैसा उस प्रोडक्ट में क्वालिटी दे, किस तरह का डिजाइन करें। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब डीप स्टडी हो जाता है, मैनेजर का जॉब बहुत ही ज्यादा समझिए कि एक तरह से चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पे ही विल ट्राई टू एनालाइज दैट कि व्हाट आर द बायर्स चॉइस, बायर का इंटरेस्ट कैसा है, बायर का नीड कैसा है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे एक और पॉइंट आप समझिएगा कि यहाँ पे बायर्स डिफर करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक कंसर्न जो आप सोच रहे हैं कि आज हमने जो बायर्स का स्टडी किया दैट विल बी सेम इन द नेक्स्ट डे और डे आफ्टर टुमारो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बायर्स का जो बाइंग एबिलिटी है या बाइंग इंटरेस्ट है वो डायनामिक्स होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर मॉर्निंग में अगर जैसे अभी आप लेक्चर्स मेरा अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी आप बहुत ही फ्रेश हैं, बहुत ही इजी वे में सारा चीजों को मतलब ग्रेस्प कर रहे हैं, ये हो सकता है कि 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद जो लेक्चर्स होगा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट या आपका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट चेंज होने के बाद उस तरह का सिचुएशंस में अपने आप को मतलब बैलेंस करने के लिए फिर आपको फिर से इस तरह के सिचुएशंस को में आपको सस्टेन करने पड़ेंगे, तो ये बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक वैसा ही बायर का भी नेचर जो है वो डायनामिक रहता है, जो मतलब कंज्यूमर्स आज अभी सुबह में कुछ और बोल रहा है, शाम तक कुछ और बोलेगा, उसका इंटरेस्ट कुछ और चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि आज कस्टमर बहुत ही प्रोफेशनल है और वो डे टू डे एक्टिविटी क्या हो रहा है, इवन मिनट में सेकेंड्स में क्या चेंज हो रहे हैं मार्केट में, अकॉर्डिंग टू दैट ही विल ट्राई टू एनालाइज ईच एंड एवरी थिंग और अकॉर्डिंग टू दैट ही विल ट्राई टू स्विच ओवर इन अनदर टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स जो पहले कहीं और था, तो
कुछ क्षणों के बाद दूसरे एस्पेक्ट पे चला जाएगा, तीसरे पे, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये बोला जाता है कि बाइंग सिचुएशन जो होता है और डायनामिक्स होता है, तो मार्केटर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये मैनेजर अप्रोच जो होता है कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और उन चीजों पे बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी करके तब प्रॉपर वे में सर्टेन कंसर्न समझकर कंज्यूमर से रिलेटेड नीड्स को प्रोडक्ट में रखकर फिर मार्केट में उसको लाया जाता है। तो इसमें जो कुछ बताया है ये दो स्लाइड्स में वही दिया है कि डिस्पाइट दिस कॉम्प्लेक्सिटी इट इज इम्परेटिव दैट द मार्केटिंग मैनेजर अंडरस्टैंड द डायनामिक ऑफ द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि थिंक अबाउट द कंज्यूमर्स के जो बाइंग प्रोसेस है, कंज्यूमर किस तरह से बाई करता है, इंटरेस्ट जो उसके पास आता है उसके अनुसार वो किस तरह से चेंज करते जाएगा, कैसे फ्लक्चुएट करेगा, कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता, तो ये डायनामिक कंसर्न है। और ये डायनामिक कंसर्न में उसका बाइंग का प्रोसेस कैसे चेंज कर रहा है, अगर चेंज कर रहा है तो कॉस्ट पे कितना इफेक्ट डालेगा, फिर वो कॉम्पिटिटिव एक सिचुएशन जो क्रिएट होगा तो उसमें वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसमें, और इन चीजों को स्टडी करने के लिए बहुत ही डीप एनालिसिस चाहिए फ्रॉम द साइड्स ऑफ मैनेजर, और तब जब वो डीप स्टडी करता है तब वो प्रोडक्ट को अगर मार्केट में देता है तो उस कंज्यूमर्स के अनुसार वो प्रोडक्ट भी रहता है और मार्केट में वो प्रोडक्ट सस्टेन भी करता है, क्योंकि मैनेजर अप्रोच में मेन पर्पस रहेगा कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन होना और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट कंसर्न का। यहां तक आपको समझ में आया? इसमें फिर देखिए कि अगर मार्केटिंग अप्रोच है कि हमको कंज्यूमर बिहेवियर हम समझ रहे हैं कि बाइंग सिचुएशन जो है डायनामिक्स होता है, चेंज करता रहता है, तो अगर इस तरह के सिचुएशंस होते रहते हैं तो क्या ऐसा एस्पेक्ट्स होगा कि जो पर्टिकुलर वे में मार्केटर्स को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करे, हेल्प करे, जिससे क्या किसी भी तरह का डायनामिक सिचुएशन होगा, चेंजिंग सिचुएशंस होगा, इजी वे में मार्केटर कंज्यूमर्स के बिहेवियर को समझ सके। तो उसमें क्या बोलता है कि इस कंसर्न में मार्केटिंग अप्रोच में क्या होता है कि मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मार्केटिंग रिसर्च का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करती है कि अगर हम मार्केटिंग रिसर्च करते रहेंगे तो हमको हेल्प मिलेगा टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर कि भाई कंज्यूमर्स किस तरह से चेंज कर रहा है, अगर वो डायनामिक है तो कितना फ्लक्चुएट करेगा, बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम रिसर्च करके पता लगाएंगे। हो सकता है कि हमने सर्वे करवाया मॉर्निंग में और दोपहर तक या शाम तक अगर सर्वे से बहुत ही सारा ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है तो हम एक कॉन्स्टेंट अप्रोच मानकर उस तरह के बिहेवियर को ही कंसर्न करेंगे और प्रोडक्ट में उस तरह की चीजों को डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हमको लगता है कि आफ्टर डूइंग सो मेनी रिसर्च इन अ सिंगल डे इट अगर ऐसा लग रहा है कि देर इज अ ग्रेट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स, तो हम जो बहुत ही इमीडिएट चेंज हो रहा है या जो एक कॉन्स्टेंट चेंज होगा उसका एक क्या बोल सकते हैं आप एवरेज लेकर आपको स्टडी करना पड़ेगा कि अगर बहुत ही चेंज हो रहा है या मीडियम लेवल पे चेंज कर रहा है या नहीं के बराबर चेंज कर रहा है तो किस तरह का चेंज सस्टेन करेगा, और तब इस तरह की चीजों को समझकर मार्केटर क्या करता है प्रोडक्ट में या सर्विस में उस तरह का नीड देने का प्रोवाइड करता है कि जो कंज्यूमर्स मांग रहा है, अगर कितना भी बिहेवियर चेंज करेगा, कितना भी उनका नीड चेंज करेगा तो ये एक एवरेज लेवल पे रहेगा और तब वो उस प्रोडक्ट में देखकर तब मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाया जाता है, तो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट सस्टेन इन द मार्केट। उसमें देखिए उसमें फिर क्या बोलता है कि अपार्ट फ्रॉम ए वाइडर प्रोडक्ट रेंज द एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया मैनेजर्स वी आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द डाइवर्स कैंपेन एंड बी मोर क्रिएटिव इन कम्युनिकेटिंग द प्रोडक्ट बेनिफिट्स। ये ठीक है प्रोडक्ट रेंज की हम स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें फिर बोला जाता है कि देर इज मतलब वो एडवर्टाइजिंग और मीडिया जो मैनेजर्स रहते हैं उस कंपनी से जो जुड़े रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कैंपेन करके क्रिएटिव वे में प्रोडक्ट को कम्युनिकेट भी करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड बेनिफिट लोगों तक अगर पहुंचता है तो बहुत ही अगर बिहेवियर चेंज भी किया तो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि हमने हमने जो बहुत सपोर्ट लिया एडवर्टाइजिंग का वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इम्पैक्ट डालता है, जो वो बिहेवियर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज करता उसको हम बहुत ही कंपनसेट करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टडी करने में हमको हेल्प मिलता है और प्रोडक्ट को उसी तरह से हम प्रोडक्ट में इन चीजों को ऑफर करके मार्केट में देते हैं, जिससे कि कंज्यूमर अपना नीड्स उसमें इजीली फाइंड कर लेता है और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलता भी। इसे फिर देखिए आगे इस स्लाइड में दिखा है बता रहे हैं हम इंटायर मार्केटिंग इफर्ट्स आर फोकस्ड ऑन द कंज्यूमर्स द टॉकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व यूजिंग बिहेवियरल टर्म्स। मतलब हर जगह जब आप इस देखिए कंज्यूमर बिहेवियर में
मार्केटिंग एफर्ट्स जो भी फोकस किया जाता है वो कंज्यूमर से कंसर्न ही रहेगा, और इसलिए ऐसा रहेगा क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है बिहेवियरल कंसर्न ऑफ एनी इंडिविजुअल्स। आज अगर आप ये समझिए कि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत सारे प्रोडक्ट को लोग लाइक कर रहे हैं, तो ओनली पर्पस क्या होता है कि देर आर बेटर कंसर्न रिगार्डिंग बिहेवियर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द कंपनी। कोई भी प्रोडक्ट जो आपके मार्केट में, आप जो ब्रांडेड है, जो आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो ये आप देखेंगे कि इसके पीछे बहुत बड़ा वर्क किया हुआ है कंपनी का, कि दे आर डूइंग नथिंग, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स, हाउ दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन, वेयर दे आर एग्जिस्टिंग, इन विच वे दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई कैसा प्रोडक्ट है, किस तरह से हमको कंफर्टेबिलिटी देगा। तब ये चीजें जब कंज्यूमर का चेंज करता रहता है, तो वैसा ही क्या होता है कि मार्केटिंग एफर्ट्स लगाकर मार्केटर ट्राई करने की कोशिश करता है कि कैसे कंज्यूमर्स की बिहेवियर हम समझें, किसी तरह का भी बिहेवियरल टर्म अगर बिहेवियरल चेंज भी होगा तो हम उनके चेंज को इजी वे में पकड़ सकें, जिससे क्या होगी प्रोडक्ट हम जब ऑफर करें तो उनके नीड्स के अनुसार हो। इसे फिर बोलते हैं कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट द प्रोडक्ट और सर्विस इज पोजीशन टू डिलीवर ए सेट ऑफ बेनिफिट्स टू ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स। अगर अगर ऐसा रहता है तो बिहेवियरल टर्म का हम स्टडी कर लेंगे, तो प्रोडक्ट और सर्विस को एक पर्टिकुलर कस्टमर्स को सेगमेंट करके, कि भाई इस कंज्यूमर्स का ये सेगमेंट है, जैसे अगर यंग जनरेशन वाले कंज्यूमर्स हैं, अगर हमको ये पता चल रहा है कि ये ऐसे कंज्यूमर्स हैं तो इनका नेचर, इनका नीड, इनका स्टाइल, इनका डिजायर कैसा होगा, और उस तरह से अगर अगर कॉलेज गोइंग यंग जनरेशन से, तो अगर ये कॉलेज गोइंग यंग जनरेशन से, तो उनका अभी कैसा सोशल स्टेटस है, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनका नीड्स कैसा है, वो किस तरह के माइंड को रखते हैं, किस तरह से चेंजिंग करते जाते हैं, किस तरह से वो चेंजिंग करते जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे होता क्या है, जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ चेंजिंग सिनेरियो में भी हम इजी वे में समझ जाते हैं कि ये इस तरह के कस्टमर्स के बिहेवियर ऐसा है, और तब प्रोडक्ट जो बनाया जाता है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द कंपनी, वो क्या करते हैं, कंपनी इजी वे में समझ जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट इन तरह के कंज्यूमर्स के लिए जरूरी है, और उस तरह से वो क्या करते हैं, उसमें पोजीशन उनके माइंड में कर देता है कि हाँ यंग जनरेशन जो कॉलेज गोइंग बॉयज हैं, उनके माइंड में इस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्रोडक्ट में इस तरह के वो नीड्स, इस तरह का मतलब प्रोडक्ट का डिजाइन मांगते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट से नीड वो मांगते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि ये चीज बहुत ही हेल्पफुल होता है, और मार्केटर के तरफ से ये बिहेवियरल टर्म्स समझना, मार्केट को सेगमेंट करना, और उसके अनुसार प्रोडक्ट और सर्विस को पोजिशन करना बहुत ही जरूरी है। और जब ये होता है तब हमारा प्रोडक्ट बेहतर वे में मार्केट में जाता है एंड कस्टमर यूज इट। अब द एडवर्टाइजिंग मैनेजर क्या करता है, एम्स एट कम्युनिकेटिंग सिंबल्स एंड इमेजेस टू इंडिकेट हाउ द ब्रांड डिलीवर्स दिस बेनिफिट्स एंड क्रिएट अ फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रांड। बहुत ही सिंपल इसमें कंसर्न दिया गया है। अब ये बता रहा है कि अगर हम बिहेवियरल टर्म्स को स्टडी कर लेंगे तो हम एडवर्टाइजिंग मैनेजर जनरली क्या करता है, अगर वो कंपनी से जुड़ा हुआ है तो वो ये पता लगाता है कि किस तरह से ब्रांड जो हम प्रोडक्ट जो हम जिस ब्रांड का प्रोडक्ट हम मार्केट में दे रहे हैं कस्टमर्स को दे रहे हैं, वो इस तरह के बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करता है तो वो कैसा, इसके प्रति कस्टमर्स का कैसा एटीट्यूड है। अगर वो देखते हैं कि अगर एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्टरी है, ट्रायल करके वो देख लेते हैं, तब उनको एक तरह से आइडिया मिल जाता है कि इस तरह की चीजों को अगर हम बनाते हैं तो कस्टमर्स एज ए ट्रायल बेसिस पे दे आर लाइक दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, तो दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सच टाइप ऑफ एटीट्यूड्स इन द सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स सच टाइप ऑफ क्वालिटी सच टाइप ऑफ डिजाइन इन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और तब ये उनको ट्रायल से जब ये पता चल जाता है कि कस्टमर आर सेटिस्फाइंग विद दैट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसके बाद वो कंपनी इस तरह के ट्रायल्स के बेस पे कंज्यूमर का एटीट्यूड समझ जाता है, कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट समझ जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड की तरफ, और तब फिर सर हाँ जी बोलिए सर एक क्वेश्चन है, आप पूछिए। जब प्रोडक्ट एक ही है कंपनी का और टारगेट कस्टमर भी सेम ग्रुप है,
हाँ जी एंड देन वहां पे जो कस्टमर है उनको दोनों कस्टमर को वो दो डिफरेंट वे में चाहिए. अगर जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कोई ई प्लेटफॉर्म है तो उसपे कुछ नोट्स है ठीक है, तो एक सेगमेंट तो उसी में है कॉलेज स्टूडेंट ही है, तो कोई बोलते हैं कि उसपे काफी मतलब कम नोट्स है अपलोड ठीक है, exactly, उन्हें वो ज्यादा चाहिए होता है कि ये काफी कंटेंट कम है. एंड देन दूसरे कुछ बच्चे हैं तो बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा है, इतना नहीं चाहिए होता है, नोट्स में तो कम चाहिए होता. तो कंपनी उसमें कैसे डील करेगी, सेम प्रोडक्ट है तो किसी एक के अकॉर्डिंग तो नहीं बना सकती है, और टारगेट कस्टमर भी सेम है वहां पे, तो उस केस में क्या करेगी. तो अब ये टारगेट कस्टमर सेम है लेकिन आप ये नहीं देखा कि कोई ज्यादा नोट्स को देखकर उनको लगता कि ज्यादा मात्रा में कोई, तो ये कहीं ना कहीं उनको कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, तो ये बिहेवियरल टर्म ही हुआ ना एक तरह से. क्या हुआ, ये बिहेवियरल टर्म हुआ, यानी कहने का मतलब कि ये हम बोल तो रहे हैं कि नोट्स नोट्स एज ए प्रोडक्ट है, लेकिन जब ये लोगों के बीच जा रहा है तो उसी उसी प्रोडक्ट के लिए लोग अलग अलग अपना व्यू रख रहे हैं. तो ये बिहेवियरल टर्म में जब वो कंपनी देखेगा कि अगर बहुत ही ज्यादा मार्जिन है किसी एक चीज को फेवर में बहुत ज्यादा है तो उसको कंसिडर कर वो ट्राई करने की, क्योंकि अगर ज्यादा मार्जिन है तो यानी मैक्सिमम लोग उस तरह, आप जैसे आपने बोला नोट्स, तो अगर ज्यादा बोल रहे कि बहुत ज्यादा नोट्स है और इस मतलब जो कंटेंट जो है बहुत ज्यादा है और वो एप्रोप्रिएट नहीं है, इसका एक ब्रीफ वे में होना चाहिए, एक लिमिट वे में होना चाहिए, और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर इस तरह से बोलते हैं तो यानी वो हमारे कस्टमर्स हो गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं के अनुसार इस चीजों को देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तब प्रोडक्ट को इस तरह से बढ़ाकर मार्केट में देना पड़ेगा. कंपनी भी ऐसा ही करेगी. ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं कि ऐसा अगर एक ही प्रोडक्ट है उस तरह से दो तरह के कस्टमर का व्यू पॉइंट चला आता है, लेकिन जब हम इस तरह का तो जिनके व्यूज में ज्यादा आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे. जनरल सिंपल है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आज सब क्लास मत लो, होता ना जब आप आते थे फिजिकली यहाँ पे तो कभी कभी होता था ना कि भाई मैक्सिमम ऑफ द बॉयज का कंसर्न लिया जाता है, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट का कंसर्न लिया जाता है कि ये चीजें होनी चाहिए, यानी फेवरेबल सिचुएशन किस कंसर्न में रहेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट हमारा सस्टेन करेगा. क्योंकि यहाँ पे चॉइस अगर एक बार हम डिसाइड नहीं करेंगे, एक बार एनालिसिस ठीक से नहीं करेंगे और जब मार्केट में चला जाएगा तो ये रॉन्ग एनालिसिस हमें बेनिफिट के बजाय लॉस दे सकता है. तो यहाँ पर मेजोरिटी कंसर्न करके और फिर एज ए मार्केटर और एज ए मैनेजर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर उन लोगों के बीच सर्वे फिर करके देखेंगे मार्केट रिसर्च करके कि एक्चुअल में जब ये लोग जिस तरह से बातें कर रहे क्या ये बिहेवियरल टर्म है क्या एग्जैक्ट में, और जब हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा तब ये मेजोरिटी कंसर्न समझ कर तब हम उन चीजों को सेगमेंट करके प्रोडक्ट को मार्केट में दें. ठीक है, यस सर. अब इसके आगे आप देखिए, अब ये जो हम बता रहे हैं हम तो बता तो दिए आपको कि ऐसा मैनेजर को करना चाहिए, लेकिन जब आप देखिएगा तो इसमें पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स का एनालिसिस करना पड़ता है एज ए मैनेजर. कि अगर हम मैनेजरियल अप्रोच इसको यूज करते हैं भाई टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, तो इसमें देखिए इस स्लाइड्स में देखिएगा कि मैनेजरियल पर्सपेक्टिव ऑन कंज्यूमर बिहेवियर टेंड्स टू बी मोर माइक्रो एंड कॉग्निटिव इन नेचर. अगर देखिए कॉग्निटिव इन नेचर रहता है, कॉग्निटिव का कंसर्न है डायरेक्टली कंसर्न विथ माइंड साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कॉग्निटिव नेचर का रहता है, थिंकिंग नेचर का रहता है, और माइक्रो बोला जा रहा है कि लिमिटेड कंसर्न रहता है. लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट फील्ड में जाएगा तो वहां पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी तो होगा, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं अपने अनुसार. अगर हम मार्केट में काम कर, जैसे अब देखो अगर हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे, तो तुम्हारा माइंड कंसर्न हम कैसे, तो क्या होगा कि हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे तो एक जो स्टैंडर्ड रहेगा तब आप सभी उसको फिजिबल वे में एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन अगर आपका माइंड कहीं से अलाउ नहीं कर रहा है, लग रहा है कि जो सर बता रहे हैं जो मतलब वे में दे रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है, तो फिर क्या होगा कि इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो ये मैनेजर अप्रोच में क्या होता है कि मैनेजर पर्सपेक्टिव हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, फिर हमको क्या लगता है कि हमारा बेनिफिट कंसर्न होना चाहिए, फिर हमारा लगता है कि हम जो प्रोडक्ट को बनाएंगे कॉस्ट कंसर्न होगा, और फिर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी होगी, कैसे किस तरह से लोगों के बीच जाना है, तो ये सब कंसर्न मैनेजर अप्रोच होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंसर्न हम देखेंगे कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का. लेकिन आप ये सोचिए कि जब यहाँ पर जब ये सोच रहता है तो इसी को बोला गया है कि माइक्रो और कॉग्निटिव नेचर. समझिएगा मैंने ये जो बात इसलिए बोला कि हमारा लिमिटेड एरिया रहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने जो पढ़ा होगा, तो माइक्रो कंसर्न हम देखते हैं कि अगर हमने जो बोला कि इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं एज ए मैनेजर, तो हम ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देख रही किस तरह से ये प्रोडक्ट को बना रही है पिछले
कितने सालों से कैसे बना रही है, आगे क्या इनका स्ट्रेटजी रहा, कॉस्ट सेविंग ये कैसे करना चाह रहे हैं, किस तरह के कस्टमर्स को ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मैनेजर कंसर्न हो जाएगा वो तो कैसा होगा, दैट इज लिमिटेड यानी माइक्रो लेवल पर, और कॉग्निटिव इन नेचर यानी दैट इज कंसर्न विद द साइकोलॉजी। अगर हमारा साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन का साइकोलॉजी ऐसा है कि दे जस्ट ट्राई टू गेट बेनिफिट एट एनी कॉस्ट, अगर वो चाह रहे हैं कि किसी भी कॉस्ट में हम बेनिफिट लेना चाहें, तो दे विल इग्नोर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, दे विल डोंट थिंक अबाउट द व्हाट इज हैपनिंग इन आउटसाइड द एनवायरनमेंट। व्हाट, जैसे आप बहुत सारे कंपनियों को देख रहे होंगे क्या, कि बहुत सारे कंपनी कस्टमर्स के अनुसार डेवलप कर रहे हैं, तो दे आर क्रिएटिंग देयर इमेज एंड दे आर इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। बहुत सारे कंपनी को क्या देखिएगा कि दे आर जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट देयर इंडिविजुअल बेनिफिट, देयर इंडिविजुअल गेन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। उनको लगता है कि कुछ ही समय तक हम बेनिफिट लें, कुछ ही समय तक हमको, यानी उनका मेन कंसर्न रहता है प्रॉफिट करना, यानी वो माइक्रो लेवल पे और कॉग्निटिव वे में बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। माइक्रो लेवल पे और कॉग्निटिव नेचर पे अगर हम देखते हैं तो हम सिर्फ ये देखने का प्रसार, हम समझने का प्रयास करते हैं कि कंज्यूमर कैसा है, किस तरह का है, उसका एटीट्यूड कैसा है, परसेप्शन कैसे है, लाइफ स्टाइल कैसा है, उसके डेमोग्राफिक फ्यूचर्स, ये देखते, ये हमने देख लिया। अब ये क्या होता है कि ये जो हमने सोचा कि कंज्यूमर के एटीट्यूड्स क्या है, परसेप्शंस क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैं जो कंज्यूमर से जुड़े हुए, उसको भी हमको समझना जरूरी रहता है। अगर इसको भी अगर इग्नोर कर देंगे तो इट माइट बी पॉसिबल दैट कि बहुत सारी चीजें बिहेवियरल टर्म हमको कंज्यूमर का समझ में ना आ पाए, और हम जब प्रोडक्ट को बनाए और मार्केट में लेके जाए तो दैट विल नॉट गिव द डिजायर्ड। तो ये बोला जाता है कि टर्म माइक्रो इज यूज्ड बिकॉज द मैनेजर इज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल कस्टमर, हिज और हर एटीट्यूड्स, परसेप्शन एंड लाइफ स्टाइल्स। फर्दर द एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, सोशल क्लास, कल्चर, इन ऑर्डर टू नो हाउ दे इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो ये जब हम बताते हैं, तो ये जब हम ये सारा कंसर्न हम देखते हैं, तो ये बोला जाता है कि इसमें बहुत सारे रिस्क जुड़े रहते हैं, मैनेजर को वेरीफाई करना रहता है कि कैसे रिस्क को रिड्यूस किया जाए, जिससे कि जब हमारा अप्रोच रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर हो तो बहुत ही इफेक्टिव हो, और जब प्रोडक्ट मार्केट में जाए तो हमें रिस्पॉन्स मिले। तो इसमें पहला क्या बोलता है, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू गो बाई ए स्ट्रिक्टली कॉग्निटिव अप्रोच। ये बोला जा रहा है कि अगर आप मैनेजर अप्रोच ले रहे हैं कंज्यूमर से कंसर्न, कंज्यूमर बिहेवियर से कंसर्न, तो आप अपने थिंकिंग या माइक्रो लेवल पे जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके अनुसार जाना सिर्फ वन साइडेड हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, और ये क्यों ऐसा होता है कि दिस इज बिकॉज द कंज्यूमर्स में नॉट ऑलवेज अडॉप्ट ए सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब कोई भी जो सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कंज्यूमर हमेशा उसको फॉलो नहीं कर सकता है। तो आप जिस तरह से सोच रहे हैं और उसी कॉग्निटिव वे में जाकर आपने डिसीजन ले रहे, प्रोडक्ट को बना रहे हैं और मार्केट में दे रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है कि ये कभी करेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है क्या है कि कंज्यूमर हमेशा एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में डिसीजन नहीं लेता है। क्यों भाई, कि व्हेन परचेजिंग प्रोडक्ट्स ऑन इंपल्स आर हैबिचुअल बेसिस, कभी कभी उनका हैबिचुअल बेसिस पे रहता है, कभी बहुत ही ज्यादा इंपल्स रहता है, कभी उनको बहुत ही इतना डिजायर रहता है कि ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, कभी उनके लिए कल्चर मतलब सिम्बॉलिक वैल्यू रहता है, कभी उनके लिए स्टेटस रहता है। तो जब ये सारा चीज इन्वॉल्व रहता है तो आप एक सिस्टमैटिक वे में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सोच रहे हैं कि भाई कस्टमर इसी तरह से जाएगा और इसी तरह से प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो ये हो सकता है कि आपका ये सोच गलत साबित हो, क्योंकि कस्टमर हमेशा इस तरह से नहीं जाता है, क्योंकि कस्टमर्स के डिजायर, उनका बाइंग सिचुएशन, कंडीशंस, उनका थिंकिंग, वो डायनामिक्स है, वो चेंज करता रहता है। कभी उनका किसी प्रोडक्ट के प्रति बहुत ही ज्यादा सिम्बॉलिक वैल्यू है, बहुत ही उसको स्टेटस समझ सिंबल समझ रहे हैं कि नहीं, उस प्रोडक्ट को लेने के बाद हमारा कंफर्टेबिलिटी लेवल, फिर हमारा एक स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, तो फिर वो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस लेते हैं सिस्टमैटिक वे में ना जाकर, वो जहाँ पर उनका हार्ट अलाउ करता है और हार्ट और माइंड अलाउ करता है, उसको बैलेंस लेकर फिर उस तरह की चीज़ों को करते हैं। तो ये बोला जाता है कि इस तरह की चीज़ों होता है, तो जब हम मैनेजर अप्रोच यूज करते हैं तो ये चीज़ें हमें समझना जरूरी है कि कंज्यूमर किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज करेगा। दूसरा देखिए कि इट वुड बी इनकरेक्ट टू ओवरलुक द डायनामिक्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। अब दूसरा में ये भी होता है कि मैनेजर जब अप्रोच देते हैं, अब मैनेजरल कंसर्न प्रोडक्ट को बना रहे हैं और मार्केट में लेके जाएंगे, तो हम जनरली क्या करते हैं, हमें ऐसा नहीं ओवरलुक नहीं करना चाहिए कि डायनामिक्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है।
क्योंकि हमको ये सबसे मेजर कंसर्न समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर तो इन्वायरमेंट में ही रहता है और इन्वायरमेंट फैक्टर से वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस है और उसके डिसीजंस में बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही उसके डिसीजंस को चेंज करते हैं। तो अगर हम इसको ओवरलुक करके चलेंगे और हम अपना कंसर्न सिर्फ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम अपना कंसर्न सिर्फ कॉस्ट सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि नहीं हम ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं, तो ये इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आप इग्नोर कर दीजिएगा तो ये इनकरेक्ट होगा और जिस तरह से आप सोच के चल रहे हैं उस तरह से आपको रिस्पॉन्स प्रोडक्ट से कंसर्न नहीं भी मिल सकता है। जैसे देखिए इसमें बोला है कि आप कि फॉर इंस्टेंस गिफ्ट परचेज फॉर रिचुअल पर्पस वुड हैव टू बी कल्चरली डिराइव्ड, दिस रीजन मे बी ओवरलुक इफ ओनली अ माइक्रो व्यू इज टेकन वेयर द फोकस इज एक्सक्लूसिवली ऑन द इंडिविजुअल कंज्यूमर। ये चीजें हम ओवरलुक कर सकते हैं क्योंकि अगर आप गिफ्ट परचेज करता है रिचुअल पर्पस के लिए तो एक कल्चर कंसर्न है, कोई इसको सीरियस कंसर्न लेता है कोई नहीं लेता है। तो ये आप ऐसा हमेशा नहीं सोचिए कि वॉट एवर मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू इज अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर्स, यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट द डायनामिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में आप देखेंगे सराउंडिंग्स में क्या चेंज हो रहा है, किस तरह का मतलब प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन कैसा है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, सोशल कंसर्न कैसे चेंज हो रहा है, और ये जब सब चीजें करेंगे तब फिर आपका कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी अच्छा होगा और प्रोडक्ट को उस तरह से बनाकर मार्केट में लेंगे। अनदर रिस्क क्या हो सकता है, मैनेजर्स वेयर टू फोकस मोर ऑन द परचेज एस्पेक्ट रेदर देन ऑन कंजम्पशन। देखिए व्हाइल ट्राइंग टू वर्क ऑन द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल मैनेजर्स हैव रियलाइज्ड दैट दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द पोस्ट परचेज बिहेवियर और द कंजम्पशन फ्रंट एंड नॉट मेयरली द परचेज एक्सपीरियंस। बहुत समय ऐसा देखा गया कि हम परचेज कंसर्न ही देखते हैं, ये इस तरह का सिचुएशन हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालता है क्योंकि आपको कंजम्पशन कंसर्न भी समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट को परचेज ज्यादा से ज्यादा परचेज हो रहा है लेकिन एक्चुअल में जो कंजम्पशन उनका हो रहा है किस तरह से, ये स्टडी करना भी मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पोस्ट परचेज बिहेवियर ही कहीं ना कहीं एक बेटर कस्टमर्स को डेवलप करता है। क्योंकि पोस्ट परचेज बिहेवियर, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का परचेज हो रहा है लेकिन फिर वही जो एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज किया फिर दूसरा कर रहा है तीसरा कर रहा है और फिर बार बार आप देख रहे हैं कस्टमर चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या, आपने सिर्फ परचेज एस्पेक्ट को देखा, आपने कंजम्पशन एस्पेक्ट को नहीं देखा। इसके लिए आपको पोस्ट परचेज बिहेवियर भी स्टडी करनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट हमारा लेकर कस्टमर जा रहा है आफ्टर यूजिंग दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट व्हाट टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज वेदर ही इज अगेन कम टू बाय आवर प्रोडक्ट और नॉट दैट इज द मेजर कंसर्न। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं रिस्क में हैं, आपने कस्टमर का स्टडी अच्छे से नहीं किया है और जब ये हो सकता है कि अगर ऐसा रहेगा तो आप ज्यादा दिन तक आपके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रहेंगे, लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों, उसका मेन पर्पस यही है कि यू हैव ऑलवेज कंसर्न द थिंग्स द प्रोडक्ट रिगार्डिंग परचेज कंसर्न, यू हैव नॉट थिंक इट अबाउट कंजम्पशन पर्पस। तो ये बहुत जरूरी है, इसके लिए हमको क्या करना है, अगर हमको कंजम्पशन पर्पस देखना है तो फॉर दैट पर्पस मैनेजर को पोस्ट परचेज बिहेवियर की स्टडी करने पड़ेगी। अब देखो पोस्ट परचेज क्या होता है कि परचेज आपने किसी गुड्स को किया, आपने उसको यूज किया, यूज करने के बाद आपने उसको एनालिसिस करने के बाद आपको आप अपना सेटिस्फेक्शन लेवल देखते हैं और अगर आपको लगता है कि द प्रोडक्ट इज गुड इफेक्टिव एंड एफिशियंट तो फिर क्या होता है, आप उन चीजों को बार बार खरीदने जाते हैं, बार बार आप आइएगा उस प्रोडक्ट को, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजर्स को एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा कि यस सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज ऑफ गुड क्वालिटी और से कंजम्पशन के बाद ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी पोस्ट परचेज बिहेवियर ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये चीजें बहुत एसेंशियल है रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर और ये मैनेजर अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हमें कंजम्पशन पैटर्न पे समझना चाहिए कंज्यूमर्स के बिहेवियर को। चौथा देखिए इसमें क्या है, मतलब ये तीन पॉइंट्स हमने बता दिया, अब इसमें देखिए क्या है, मार्केटिंग मैनेजर्स आर एंटरिंग इनटू द रिलेशनशिप बेस्ड मार्केटिंग विद द कंज्यूमर्स। देखिए अब ये चीज ही हुआ कि जो आप जो देखते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट आया है, आप उस कंज्यूमर्स के साथ कहीं जब ये पोस्ट परचेज बिहेवियर होने लगता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर के बाद कस्टमर्स आपके पास आने लगते हैं तो फिर ऐसा डे टू मतलब इस तरह से जब कंज्यूमर्स आपके पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ जाएंगे तो मतलब कहीं ना कहीं आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपके वो कस्टमर्स आपके साथ हमेशा मैनेज रहेंगे और टाइम टू टाइम इस तरह के कस्टमर्स आपसे जुड़ते जाएंगे और फिर तब आप ये स्टडी आपको हेल्प करेगा
कि किस तरह से ये कंज्यूमर्स हमसे जुड़े, तो जो भी हम प्रोडक्ट को बनाएंगे उसमें कैसे कंज्यूमर्स के बिहेवियर स्टडी करें जिससे हमारा रिस्क कम हो और प्रोडक्ट लोगों तक जाए। मोर ओवर टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस रिलेशनशिप मार्केटिंग विल डिपेंड ऑन द कंजम्पशन एक्सपीरियंस। इट विल बी मोर हेल्पफुल टू द मार्केटर्स वेयर टू अडॉप्ट ए होलिस्टिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सर हाँ जी बोलिए। इसका कोई एग्जांपल होगा, जैसे कि कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया और बंद हो गया, कस्टमर हाँ, क्यों नहीं समझ नहीं पाए। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आप मार्केट में देखेंगे जो बहुत समय तक नहीं चलते हैं। नहीं देखो यहाँ पे समझना क्या कि बहुत समय तक अगर नहीं चलते हैं तो मतलब ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे तरफ से हुआ है कि हमने कंज्यूमर के बिहेवियर का स्टडी ठीक से नहीं किया। जो भी प्रोडक्ट हो, अगर सपोज कीजिए कि जैसे देखो अगर हमने पेन का ही एग्जांपल लेते हैं, पेन या जो भी मोबाइल फोन है जो अभी मार्केट में चल रहा है, जैसे अगर सैमसंग का मोबाइल फोन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा और दूसरे को अगर मोबाइल फोन से वो मार्केट में पहले आए और निकल गए, ये कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने होलिस्टिक अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर नहीं किया। अब जैसे हो सकता है कि पोस्ट परचेज बिहेवियर नोकिया के साथ, सर नोकिया को ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। देखिए ये जो आप बता रहे हैं एग्जैक्टली जब शुरुआत में जब नोकिया मार्केट में आया और उन्होंने चीजों को जब शुरुआत किया तो उन्होंने तो बेहतर ढंग से किया आगे आते गए, लेकिन जब धीरे धीरे जब ये चीजें कुमार गौरव सर सर एक मिनट हाँ। कुमार गौरव म्यूट करो। कुमार गौरव अब बताइए। हाँ तो अब ये देखिए कि अगर वो मार्केट में रहने के बाद बहुत दिनों तक रखा, जब दूसरे कंपटीटर्स आए प्रोडक्ट, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में एग्जिस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं वो सेचुरेशन के कंसर्न में था। और ये भी हो सकता है कि जब देखो ये चीजें जब मार्केट से अगर कोई प्रोडक्ट बहुत दिनों तक चल रहा है और जब मैक्सिमम लोग उसको यूज कर चुके हैं तो उसका मार्केट में न रहना इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। हो सकता है कि जो फैसिलिटी लेकर दूसरे मोबाइल फोन आ रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी देके आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट और सिनेरियो जिस तरह से प्रोडक्ट मतलब जिस तरह से कस्टमर चेंज कर रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है और एनवायरमेंट चेंज कर रहा है, उस तरह से नए जो कंपटीटर्स आ रहे हैं मोबाइल फोन के, अगर वो इजी वे में उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं और उन चीजों को दे रहे हैं तो लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो ये पहले जो आपने बोला कि नोकिया मार्केट में रहा सर, फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो हट जा रहा है या उस तरह का मार्केटिंग रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो ये हो सकता है कि पोस्ट परचेज बिहेवियर का कंसर्न कि आफ्टर सम टाइम्स जब बार बार हम किसी चीजों को यूज कर लेते हैं तो फिर हमको ये लगता है कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट में उस तरह का क्वालिटी रहता है। देखो यही मैंने बोला है ना कि कंज्यूमर बिहेवियर कहीं ना कहीं बाइंग सिचुएशंस और बाइंग डायनामिक्स सिचुएशंस रहता है जो आप कंज्यूमर का इंटरेस्ट चेंज करता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो मोबाइल फोन है उसमें उस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, रहता है, लेकिन जो फैक्टर्स उसमें होना चाहिए कभी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिनेरियो वो कहीं ना कहीं सेचुरेट कर जाते हैं, लोगों की नीड बढ़ जाती है, लोगों का मतलब इंटरेस्ट बढ़ता है, वो चेंज चाहते हैं, नए प्रोडक्ट को लाते हैं और फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर कंसर्न जो उनकी लॉयलिटी रहती है वो बार बार जब जाने के बाद फिर कोई नया चीज आता है तो उसके तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एक आप कंसर्न बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें मार्केट में एग्जिस्ट करती है लेकिन आफ्टर सम टाइम्स चेंजिंग एनवायरमेंट के अनुसार वो सस्टेन नहीं कर पाते। इसमें पोस्ट परचेज बिहेवियर का कंसर्न हो सकता है कि हो सकता है कि कंज्यूमर्स आफ्टर कंजम्पशन जब उन चीजों को बार बार एक ही तरह से यूज करने लगते हैं तो फिर उनको लगता है क्या कि ये चीजें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अब वो चेंज जैसे ही वो कंपनी चेंज करना चाहती है उससे पहले ही नई कंपनी चेंज करके मार्केट में आ जाती है, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर चीजें इस तरह से सेल होने लगती है। तो आप ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो मार्केट में नोकिया नहीं है इसके कारण या इस तरह के कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि पोस्ट परचेज का बिहेवियर अगर ये लॉयल्टी हम जो डेवलप करते तो आप भी लॉयल कब तक रहिएगा किसी चीज के लिए, आप कहीं पे किसी चीज से जुड़े रहते हैं लेकिन फिर आपको अचानक लगता है कि आप लॉयल्टी को दिखा रहे। आप पोस्ट परचेज बिहेवियर का कंसर्न मैं इसलिए बता आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हम पोस्ट परचेज बिहेवियर में आप बार बार उस प्रोडक्ट को इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको आपको जो पहले से प्रोडक्ट से क्वालिटी मिला है आप उसे सेटिस्फाई तो ठीक है ना, लेकिन बार बार जब आप उसी चीज को लेते रहेंगे तो उतना ही क्वालिटी अगर आपको मिलता जा रहा है और उसमें फिर आप देख रहे हैं कि किसी तरह का चीज नहीं आ रहा तो फिर आप कब तक लॉयल रहेंगे उस प्रोडक्ट के प्रति,
फिर आप उसी के लेवल का कोई दूसरा प्रोडक्ट सर्च करने का प्रयास करते हैं और आपको लगता है कि कुछ थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, ज्यादा कुछ चेंज रहता नहीं है, थोड़ा सा डिजाइन या कुछ ऐसा रहता है, बाकी सारा सिचुएशन वही प्रोडक्ट का वैसा ही रहता है नेचर। लेकिन क्या होता है कि आपका माइंड सेटअप, आपका साइकोलॉजी, आपका थोड़ा चेंज मतलब इसीलिए बोला गया कि बिहेवियर कंसर्न ऑफ द कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारी चीजें वही दी जा रही है लेकिन फिर भी वो चीजें कुछ प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कंज्यूमर उसके तरफ चला जाता है, और वही चीजें कुछ दूसरी कंपनी भी दे रही है प्रोडक्ट के अनुसार लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं कर पाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ये एक फैक्टर हो सकता है। तो ये मतलब ये कंसर्न समझना चाहिए कि हमें होलिस्टिक अप्रोच ऑफ अगर स्टडी कर ले कंज्यूमर बिहेवियर का, तब फिर इस तरह का मार्केटर को हेल्प करता है कि कैसे वो प्रोडक्ट में चेंज करे, कैसे सस्टेन करे और कैसे कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू चेंज करता जाए। ठीक है? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, ये एक फैक्टर। आप देखिए, जैसे आप अगर मेरा ही लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं, फिर आपको लगा कि अरे सर तो रोज वही पढ़ा रहे इस तरह से, तो यहाँ ऐसा करते 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 नए तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, कुछ नए तरह से नहीं पढ़ा रहे होने लगते हैं, दो डोरे लगते हैं। तो फिर आपको लगता है क्या कि तो कुछ चेंज होना चाहिए, तो फिर आप बोलिएगा कि सर कुछ ऐसा कर दीजिए। तो ऐसा ही होता है। देखो, ये इसलिए बोला जाता है कि आज के समय में किसी मार्केट में चाहे हम रहें चाहे आप रहिए चाहे कोई प्रोडक्ट है, सस्टेन करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। सस्टेनेबिलिटी स्किल आपके पास आना ही चाहिए। अगर आपके पास वो आता है तभी आप कहीं सर्वाइव कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल। मैंने बोला ना आपको कि बहुत सारे क्या एक मोबाइल फोन से जो आपको प्रॉपर्टी मिलता है तो दूसरे मोबाइल में भी है, तीसरे मोबाइल में, लेकिन फिर भी इस चेंजिंग सिनेरियो में सस्टेनेबिलिटी कैसे कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा सस्टेन कर रहा है, लोग उसके तरफ जा रहे, मतलब क्या कि कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर बिहेवियर जिस तरह से कंज्यूमर डायनामिक वे में चेंज कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसे, सिनेरियो चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चेंज हो रहा है, और कंपनी उस तरह से उनका स्टडी कर लेता है और प्रोडक्ट में उसी तरह से देकर चेंजिंग सिनेरियो के अनुसार प्रोडक्ट को भी चेंज करके मार्केट में चल रहा है, तो कस्टमर भी उनके अनुसार चेंज करते और प्रोडक्ट के साथ सस्टेन करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। और जब ये बोलता है कि होलिस्टिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जब आप इसको पढ़ेंगे होलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या बोलता है कि कंप्लीट अप्रोच, कहीं से भी वो हटना नहीं चाहिए। अगर कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो बस एक एंगल से किए, दो एंगल से किए, लेकिन जो ओवरऑल होना चाहिए हर एंगल से कि इंटरनल फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, पोस्ट परचेज कंडीशन किस तरह से चेंज हो रहा है, क्या पोस्ट परचेज बिहेवियर किस तरह से इम्पैक्ट था। तो अगर आप होलिस्टिक वे में स्टडी कीजिएगा तब मार्केटर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाता है प्रोडक्ट को बेटर वे में मार्केट में लाने के लिए। तो ये एफर्ट्स भी, इसके लिए पूरा एफर्ट्स, मार्केटिंग एफर्ट्स लगाना पड़ता है मार्केटर को कि इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, कंज्यूमर्स के एक्शन, उनका कॉग्निटिव प्रोसेस किस तरह से चेंज कर रहा है किसी प्रोडक्ट को खरीदने में। वो देखिए, आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें जो आज आप बिहेवियर शो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के कंसर्न, अब बताए तो बहुत सारी चीजों को तो आप देख कर ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने किसी प्रोडक्ट को लिया और एक्सेप्ट किया तो आपको क्या लगता है कि अरे वो लिया है, तो बिना सोचे समझे यू जस्ट गो टू दैट, आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त ले रहा तो आप ले, सोचिए। और कोई कंज्यूमर क्या होता है कि बाय गोइंग थ्रू डीप एनालिसिस, रेफरेंस ग्रुप से पूछा, फैमिली वालों से पूछा, रिलेटिव से पूछा, सबसे पूछकर, और तब ये उनका बाइंग सिचुएशन बनता है, तब ये सारा चीज बहुत ही चेंज होता रहता है। तो हर तरह के कंज्यूमर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, और जब तक मार्केटर के तरफ से होलिस्टिक अप्रोच नहीं होगा कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए, तब तक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाकर लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। ये हो सकता है चेंजिंग सिचुएशन के अनुसार वो सस्टेन करे। सर, हाँ बोलिए। कहने का मतलब ये हेलो, हाँ बोलो, जो आवाज नहीं आ रही है, क्या पूछ रहे बाबू? हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो, हाँ सर, कहने का मतलब ये है कि जैसे कंज्यूमर का जो नीड्स है टाइम टू टाइम चेंज होता है, exactly. तो सर उसके अकॉर्डिंगली सर कंपनी को जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उसके साथ उसको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ सही बात है, जो तुम लोग अभी जो इंटर्न, यही कहने का मतलब है ना सर? एग्जैक्टली, अगर लंबे समय तक सस्टेन करना है एक मतलब लॉन्ग टर्म में अगर उसको रहना है तो ये करना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि जो पहले से ब्रांड बना हुआ है
जैसे पहले से जो ब्रांड बना हुआ है वो अगर चेंजिंग नहीं भी करता है तो, लेकिन लोगों के बीच में दिमाग में उसका इमेज पोजीशन ऐसा बना हुआ है कि पहले से वो दूसरे कंपटीटर से भी सस्टेन करता रहता है जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आप देख रहे हैं तो वो, लेकिन जैसे जो अभी एग्जिस्ट करना चाह रहा है या चेंजिंग सिनेरियो के अनुसार सस्टेन करना चाह रहा है तो उसको तो अपग्रेड होना ही पड़ेगा, और उसी में उसको सस्टेन करने के लिए जो भी कंज्यूमर चाह रहे हैं उसके अनुसार प्रोडक्ट को दीजिए और तभी मार्केट में सस्टेन कीजिएगा। ओके सर, ये होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है सर? वही हमने बताया, ओवरऑल हर एंगल से, कहने का मतलब हुआ कंप्लीट। जैसे तुमको अगर अगर तुमको टॉप करना है, एकदम एग्जांपल दे रहे हैं, या कंपटीटिव सिचुएशन, जैसे कोई कंपटीटिव एग्जाम हम देते हैं, मैं होलिस्टिक अप्रोच समझाता हूँ उसको, आप ये समझिएगा कि जैसे बोलते नहीं कि सर हम हर एंगल से ऑलराउंडर जैसा कॉन्सेप्ट, सर हर सिचुएशंस में फिट है, यानी अगर ऑलराउंडर बोला जाता है तो मतलब आप जैसे क्रिकेट में आप ऑलराउंडर है तो मतलब वो हर तरह से, यानी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, यानी हर जगह वो फिट हो रहा है। होलिस्टिक अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब कंज्यूमर बिहेवियर का जो आप स्टडी कर रहे हैं तो किसी एक एंगल से मत कीजिए, आपको ये समझना चाहिए कि इंटरनली एक्सटर्नली चेंजिंग सिनेरियो में ये कैसे बिहेवियर उनका चेंज हो रहा है, कंज्यूमर के नीड्स और इंटरेस्ट हमेशा एक जैसे नहीं है तो फिर वो कैसे वेरी कर रहा है, डे टू डे क्या चेंज कर रहा है। होलिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब क्या है कि टू द पॉइंट, ओवरऑल कंसर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग का अप्रोच आता है कि होलिस्टिक मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें फिलिप कोटलर ने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि उसमें मतलब मार्केटिंग को उन्होंने ओवरऑल कंसर्न समझना चाहिए। उसी तरह से होलिस्टिक अप्रोच बोलता है कि आप हर एंगल से फिट हो। अगर आपको जैसे कंपटीटिव, जैसे बोलते ना कि अगर कोई एग्जाम पास करना है तो अगर चार सब्जेक्ट है तो उसमें हर एक में कटअप आपको लाना पड़ेगा, तो हर एक में कटअप लाना कहने का मतलब क्या है कि आपने हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ा है, आपका जो पढ़ाई है होलिस्टिकली आपने उस स्टडी को बहुत बेहतर ढंग से किया है तो आपको इजी वे में सब में कटअप चले आते हैं। तो आप जब स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कीजिएगा तो उसका कहने का मतलब है कि आप हर एंगल से कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करें। सपोज अगर मैनेजर ने क्या सोचा कि इंटरनली उनको लग रहा है क्या कि हमको ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दिलाना है, कॉस्ट सेविंग कराना है, प्रोडक्ट का ज्यादा मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट में ही प्रोडक्ट को देना है, तो फिर ये जब होगा तो ये हो सकता है कि आपने अपने एरिया को सीमित कर लिया, आपने होलिस्टिकली कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी नहीं किया। तो ये हो सकता है कि आपने ऐसा सोच के आपने मैनेजर कंसर्न या मैनेजमेंट को बेनिफिट के लिए आप करके जा रहे हो और जैसे मार्केट में गए आपने देखा कि कंज्यूमर बिहेवियर का उस तरह का बिहेवियर प्रोडक्ट के प्रति है ही नहीं, क्योंकि आपने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को छोड़ दिया, पर्सनल फैक्टर्स को छोड़ दिया, सोशल फैक्टर्स जो उनके पास कस्टमर्स का डे टू डे इन्फ्लुएंस होता रहा वो छोड़ दिया, तो फिर ये होलिस्टिकली स्टडी नहीं हुआ। यानी इसको आप ये समझिए कि एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट का डिटेल वे में स्टडी करना होलिस्टिक स्टडी कहलाएगा रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर, जिससे क्या हो कि किसी भी एंगल से कंज्यूमर्स के बिहेवियर हमसे छूट ना सके, यानी उनका स्टडी को हमने बहुत ही डिटेल वे में किया है, उसी को बोलते हम होलिस्टिक अप्रोच। यस सर, ओवरऑल, हाँ ओवरऑल, बस वो समझना है कंप्लीटली। जैसे तुमको अगर 75-85% या 90-95% जिसको मार्क्स लाना रहता है वो हर सब्जेक्ट को एक पक्का करता है कि हमको हर सब्जेक्ट का पकड़ होना चाहिए। कल को तुमको अगर फाइनेंस मैनेजर बनना है या मार्केटिंग मैनेजर बनना है तो मार्केटिंग का जो भी कोर एरिया है वो एकदम मेरा बेहतर होना चाहिए, मेरा हर एरिया। जैसे अगर आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, रिटेल पढ़ रहे हैं, B2B पढ़ रहे हैं, तो ये हर एरिया में हम अपने आप को बेहतर सिचुएशन में पाते हैं कि 75% से ऊपर हमारा अंडरस्टैंडिंग है। यानी कहने का मतलब क्या, हमने इसको ओवरऑल वे में, होलिस्टिक वे में स्पेशलाइजेशन के मेजर जो एरिया मार्केटिंग का हमने बहुत अच्छे ढंग से किया, होलिस्टिकली स्टडी कर लिया है। मतलब कि आपकी आप हर एंगल से हर स्पेशलाइजेशन के लिए मतलब सॉरी हर हर सब्जेक्ट में अपना कंपिटिटिव स्टेटस अच्छा रख रहे हैं, मतलब आप हर सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, इसको बोलते हैं होलिस्टिक। मतलब आपने चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से स्टडी किया है, ओवरऑल आपका अगर पूछा जाए तो आप हर सब्जेक्ट्स को अच्छे तरह से 80% बता सकते हैं कि इसमें मेरा नॉलेज ऐसा है सर, तो इसी को बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। मतलब आपने चीजों को इंटरलिंक कर दिया, आपने चीजों को इस तरह से जोड़ा कि किसी भी एंगल से उसके बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर टर्म को हम छोड़ नहीं रहे, हर एक एंगल से उनके बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं और किसी तरह का भी अगर थोड़ा सा भी माइन्यूट चेंज भी हो रहा है उसके बिहेवियर में तो हम वो स्टडी करके उस तरह के प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में लाएंगे। तो ये ऐसा होलिस्टिक अप्रोच से हम कंज्यूमर बिहेवियर अच्छी तरह से स्टडी करते हैं
और प्रोडक्ट को बेहतर में बनाकर मार्केट में लाते। तो ये मैनेजरियल पर्सपेक्टिव आज हमने आपको बताया, ठीक है। अब इसके आगे है क्या सर इसमें? बस इसके बाद हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव बताएंगे। ये जो अब ये अब जो है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव होगा। तो आज हमने आपको मैनेजरियल पर्सपेक्टिव बता दिया सर। अब भेज दीजिए ना सर, पहले पीपीटी भेज दीजिए सर, पढ़ के रखेंगे सर। ठीक है, ये अब जैसे हम कल कंज्यूमर पर्सपेक्टिव पढ़ाएंगे तो ये हम शाम को आपको भेज देते हैं, ठीक है जी सर, भेज दीजिएगा सर। तो आज समझ में आया मैनेजरियल पर्सपेक्टिव, समझ में आया ना? यस सर जी सर। ठीक, अब स्टॉप करें। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर, पांच मिनट हो गया सर ज्यादा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। ओके, स्टॉप करते हैं जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। लाइट नंबर 4 में